ये वाला फोटो एडिटिंग देख सकते हो कितना हार्ड एडिटिंग है गाइस। ये एडिटिंग ओनली पिक्सार टाइप से इसी तरह से कुछ करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा कम टाइम में इस टाइप से आपको एडिटिंग सिखा देंगे गाइस। इतना ज़्यादा ओसम एडिटिंग और कौन सा भी नहीं, खाली ओनली पिक्सार टाइप से इस तरह से एडिटिंग करेंगे। हमारे चैनल भी नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन और भी प्रेस करना ना भूलिए। और चलो बिना देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। ओरिजिनल फोटो कुछ इस टाइप से और फोटो को एडिट करने के बाद कोई लाजवाब बन गया कुछ इस टाइप से गाइस। दो फोटो एडिट किया मैंने, दो कलर टोन में, ठीक है ना गाइस। इस टाइप से आपको एडिटिंग करना तो कुछ नहीं करना, लास्ट की वीडियो देखना। आज की वीडियो में आपको कुछ इसी टाइप से एडिटिंग सिखा दूंगा, वो भी बहुत कम टाइम में, ओनली पिक्सार टाइप से गाइस। और हमारा ओरिजिनल फोटो देख सकते हो कुछ इस टाइप से। इस वाले फोटो को सिंपली ओपन कर लेना पिक्सार एप्लीकेशन में, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना और इस तरह से सिंपली पिक्सार पे क्लिक कर देना, सिंपली वाला पिक्सार ऐप पे, ठीक है ना। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, पिक्सार सर्च करते हुए मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है और इस तरह से क्लिक करते हुए कुछ देर वेट होगा और हमारा सिंपली फोटो जो पिक्सार ऐप में ओपन हो जाएगा। कुछ देर वेट कर लेना आप, मैं भी कुछ देर वेट कर लेता हूँ। देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। इतने बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना टूल्स पे, ठीक है। टूल्स पे क्लिक करने बाद एडजस्ट का आइकन मिलेगा, सिंपली यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सेचुरेशन को इस तरह से डाउन कर लेना, ठीक है ना। कुछ इतना डाउन कर लेता है और डाउन कर लेता है इसको 57 डाउन। और सिंपली हाईलाइट को भी इस तरह से, हाईलाइट को इस तरह से आना और हाईलाइट को इस तरह से प्लस कर लेना। देख सकते हो कुछ इतना प्लस सकता है 11 प्लस। और क्लियरिटी पे आता है, क्लियरिटी को भी इस तरह से हल्का सा प्लस कर लेना, कुछ इतना 25 प्लस। हाईलाइट को भी इस तरह से प्लस कर लेना था हल्का सा 16 प्लस, ठीक है ना। इतने बाद सिंपली आपको रिस्टोर वाला आइकन मिल जाएगा, इस रिस्टोर वाला आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने बाद यहाँ से कर देना इन्वर्ट, इन्वर्ट करने बाद इस तरह जुमर्ट करना अपना फेस, इस तरह जुमर्ट करना है और रिज वाला आइकन पे आगे और इस तरह से यहाँ से कर लेना अपने फेस से, सॉरी गाइस इस वाले ऑप्शन पे आगे, इस तरह से हमारा पूरा फेस से कर लेना इरेज, अच्छे तरीके से पूरा अपना फेस वाइट कर लेना ताकि अच्छे से वाइट लगे हमारा फेस। ये काम तो हर फोटो में करना ही पड़ता है। सो गाइस जितना काम होने बाद एक डन का आइकन मिल जाएगा आपको, फिर से यहाँ से कर देना डन, ठीक है ना। यहाँ से करते हैं डन, एक और बार डन कर लेते और फिर से कर लेते हैं डन गाइस। देख सकते हो फिर से हमारा वाइट हो चुका, ठीक है ना। इतने बाद सिंपली आपको फिर से क्लिक करना टूल वाला आइकन पे और इस तरह से फिर से क्लिक करना एडजस्ट वाला आइकन पे। देख सकते हो स्क्रीन पे मैं एरो करके बताता हूँ ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। एडजस्ट वाला आइकन पे क्लिक करने बाद सिंपली सेचुरेशन पे क्लिक करके सेचुरेशन को 100 माइनस और फिर से रिस्टोर वाला आइकन पे क्लिक और ये छोटा सा आइकन दिख रहा है यहाँ से कर देना इसको इन्वर्ट। इन्वर्ट नहीं करते इसी तरह से रखते और इस तरह जुमर्ट कर ले ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। आपको बिल्कुल सही तरीके से समझा देते। इसका इरेज वाला आइकन पे आ गया इस तरह से और इस तरह से हमारे फेस से कर लेना, इसको पूरे कलर को इस तरह से इरेज कर लेना इस प्रकार से, ठीक है ना। सो गाइस जितना काम होता है फिर से डन पे क्लिक करना और फिर से कर देना डन, ठीक है गाइस। ये हमें ब्लैक एंड व्हाइट भी अप्लाई हो चुका था भाई। इसके बाद आपको इफेक्ट वाला आइकन मिल जाएगा, सिंपली इफेक्ट वाला आइकन पे क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है ना। इस तरह से इंटरफेस खुलते हैं, कुछ देर वेट कर लेना, आपको मिल जाएगा कलर्स वाला आइकन पे क्लिक करना और लास्ट में इस वाला फिर से कलर वाला आइकन आ जाएगा। और इस तरह से इसका ह्यू देख सकते हो, इस ह्यू को आपको जिस तरह माइनस करोगे इस तरह से अपना कलर चेंज होगा अपना फोटो का, ठीक है ना। इस तरह से मैं कुछ रखता हूँ गाइस, आपको थंबनेल में देखा था ग्रीन, ठीक है ना। ज़्यादातर मैं ग्रीन ही रखता हूँ इसको, ठीक है ना। इतना रख के फिर से आपको एक इरेज वाला आइकन मिल जाएगा, ठीक है ना। इरेज वाला आइकन पर सिंपली यहाँ से कर देना क्लिक, क्लिक करने बाद इस तरह जुमर करना फेस और सिंपली इरेज वाला आइकन पर आके उस तरह से साइज को इस तरह से हार्डनेस को इस तरह 90 इंक्रीज और साइज को अपने हिसाब से रखे और इस प्रकार से अपने फेस से इरेज कर लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। फिर से डन पे क्लिक करना और फिर से कर देना डन। देख सकते हो गाइस हमारा फोटो कुछ इस टाइप से हो चुका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है फोटो एडिटिंग में मुझे कमेंट क्या करो, मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्व पकड़ दूंगा। सिंपली इस वाला आइकन पे क्लिक करना, फिर से एड फोटो पे सिंपली मैं जो पेनजी यूज़ कर रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इस फोटो में, वहाँ से आप डाउनलोड करना। मैंने बहुत सारे फोटो एडिटिंग किया उनके भी सारे पेनजी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सिंपली एड पे क्लिक करके फिर से कर देना एड, ठीक है ना। एड करने बाद इस तरह से मैंने पूरा जूम आउट कर लेना आपने जो इस तरह से पूरा बैकग्राउंड में, इतना बस सिंपली यहाँ ब्लेंडिंग आइकन मिल जाएगा। सिंपली इस ब्लेंडिंग वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, ब्लेंडिंग वाला आइकन पे क्लिक करने बाद इसको कर देना स्क्रीन, स्क्रीन करने बाद इस तरह जूम आउट करना और रिस्टोर वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से कर देना इसको इरेज, यहाँ से इस तरह से इरेज करके फिर से डन पे क्लिक करना और फिर से कर देना डन। अब देख सकते हो बिफोर में, देखो बिफोर एंड आफ्टर गाइस पूरा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद आपको आइकन मिल जाएगा एरो वाला, सिंपली एरो वाला आइकन पे क्लिक करना और यहाँ से कर देना हमने गैलरी में फोटो सेव बेस्ट क्वालिटी में। अपना फोटो भी आप इस तरह से एडिट करना बहुत ही कम टाइम में सीख जाओ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।